गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ द लेक्चर 5 ऑफ चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ओके, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन एटम टू लूज वन इलेक्ट्रॉन। ओके, कोई एटम है और बेसिकली कैसा एटम होना चाहिए? आइसोलेटेड गैशियस एटम होना चाहिए। तो मेरे पास कोई सोडियम सपोज एक आइसोलेटेड गैशियस एटम है, तो वहाँ से मुझे एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है। सो वी नीड टू सप्लाई सम एनर्जी टू दैट सोडियम एटम। तो जितनी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो हमको चाहिए होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट होगा। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहे थे, तो जो एंथैल्पी चेंज हो रहा था हम उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। गेन मतलब समझते हैं, गेन मतलब वो एक्सेप्ट करेगा। कोई एक आइसोलेटेड गैशियस एटम होगा जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जब वो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उस समय जो एंथैल्पी में चेंजेस होते हैं, एंथैल्पी मतलब एनर्जी, हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस समय जो हीट एनर्जी में चेंजेस होते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। When an electron is added to a neutral gaseous atom, कोई gaseous atom है जो neutral है, to convert into a negative ion, और उस atom को हमको किस में convert करना है? Negative ion में। The enthalpy change accompanying the process is defined as electron gain enthalpy, और इसको denote करते हैं del EGH से। ठीक है, ई जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन शो कर रहा है। लाइक इन केस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी हम उसको डेल आई एच बोलते थे, पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में ई जी बोलेंगे। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है, गैशियस एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस समय कुछ एंथैल्पी चेंज होती है। द एंथैल्पी चेंज अकम्पेनिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में कुछ एंथैल्पी चेंजेस होते हैं, जिस उस चेंज इन एंथैल्पी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब क्या हुआ? हीट एनर्जी, है ना। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। ठीक है, जब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हुई थी, तब मैंने बताया था एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एक स्पेसिफिकली लिखा था वहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। बस यहाँ पर मैं कहीं भी लिख रही हूँ एनर्जी रिलीज हुई कि एब्जॉर्ब हुई। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है, किसी केस में एनर्जी रिलीज भी होती है, किसी केस में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। ठीक है, जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तब कभी कभी एनर्जी रिलीज भी होती है और कभी कभी एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। ठीक, इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। बट जब आपको याद होगा, मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बताया था, तो मैंने बताया था आपको कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव करके लिखवाया भी था, मैंने स्पेशल नोट लिखवाया था आपको। ठीक है, सो चलो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मेरे पास एक कोई गैशियस एटम है, लाइक एक्स एक गैशियस एटम है। ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है और क्या बनाएगा? ये एक आयन बनाएगा। तो इस समय जब जो एंथैल्पी चेंज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इट प्रोवाइड्स, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स मेजर ऑफ ईज। ठीक है, मेजर ऑफ ईज विथ विच एन एटम कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से हमको ये पता चलता है कि कोई भी एटम कितने ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। आगे चल के हम लोग बात करेंगे इस पर भी। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमको क्या बताता है? कि कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम जो है कितने ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसको हम किसे पता चलता है हमको? दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जब हम आगे देखेंगे, तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये जो एटम है इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली गेन कर लेगा, ये जो एटम है इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। तो ये हमको किससे पता चलता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। तो इट प्रोवाइड्स द मेजर ऑफ ईज, कितने ईजिली कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या उसको डिफ़िकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने में। ठीक है, अब डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट, ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ठीक है, सो डिपेंड ऑन, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस कैन बी, जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसेस है, कैन बी एक्सोथर्मिक
और एंडोथर्मिक। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक से क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक मतलब क्या होगी, एनर्जी इज रिलीज्ड। इस केस में क्या होगी, एक्सोथर्मिक के केस में एनर्जी रिलीज्ड होगी जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ठीक है, सो एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एटम में तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी तो मतलब क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, रिलीज हो रही है तो उसको हम प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। तो इस केस में जो डेल ई जी है वो नेगेटिव होता है, डेल्टा। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, ये जो एटम है ये एनर्जी लूज कर रहा है। अगर वो एनर्जी लूज करेगा मतलब उससे एनर्जी चली गई। कोई भी चीज़ जाती है तो हम उसको किससे शो करते हैं, माइनस साइन से, और कोई चीज़ आएगी हमारे पास तो उसको हम किससे शो करेंगे, प्लस साइन से, है ना। तो ये जो एटम है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। जब एनर्जी रिलीज कर रहा है इसलिए इसमें, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, सो जो एक्सोथर्मिक का प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, अपने से एनर्जी दे दे रहा है। तो एनर्जी उससे तो कम हो गई एनर्जी, इस वजह से वो जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम उसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये और आपको क्लियर होगा जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे कि क्यों हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं। देखो, आपके पास से कोई चीज़ चली जाएगी तो आप उसको क्या लोगे, माइनस, है ना। आपके पास 5 चॉकलेट थे, 3 कोई ले गया तो आप उसको माइनस करते हो, है ना, क्योंकि आपसे चली गई है वो चीज़ें। तो एटम से जो है एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसलिए हम क्या करें, इसको सिस्टम बोलते हैं जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। ठीक है, अब एंडोथर्मिक का केस लेते हैं। तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, यहाँ पर जो है एनर्जी रिलीज हो रही थी उसमें एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। सो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम। इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन तो गेन कर ही रहा है, जो एक्स जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन तो गेन कर रहा है, साथ में एनर्जी भी उसको डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा है उसको भी गेन कर रहा है और फाइनली एनायन बना रहा है। ठीक है, सो इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो उसके पास एनर्जी बढ़ रही है ना, वो एनर्जी ले रहा है इसलिए वो पॉजिटिव है। सो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन से केस में, जब उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। और जब वो अगर कोई एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एनर्जी रिलीज करता है, मतलब आपको अलग से एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है उसको, वो खुद ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो उस केस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू ये शो करता है कि वो जो एटम है ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, आपको अलग से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, वो एटम जो है ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी वो उतनी ही ईजिली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन, जिस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है मतलब वो ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल से बताती हूँ, एक एटम है सोडियम एटम। ठीक है, उस सोडियम एटम के लिए सपोज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है -53 और मेरे पास है एक फ्लोरीन एटम और उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है 388। ठीक है, दो एटम्स हैं मेरे पास, सोडियम और फ्लोरीन। सोडियम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -53 और फ्लोरीन का -388 है, सपोज 383 है सपोज। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि कौन कितना ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। मैंने अभी बोला जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ही ज़्यादा नेगेटिव होगी वो इतने ही ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है, फ्लोरीन की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है तो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, कम है, कम मतलब कम नेगेटिव है,
ये कम नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, उतने इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप सिर्फ वैल्यूज देख के भी जान सकते हैं कि कौन जो है एटम इलेक्ट्रॉन अच्छे से इजीली एक्सेप्ट कर सकता है और कौन एटम को अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो इजीली वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बताता है कि कितने ईजिली से वो इलेक्ट्रॉन गेन सकता है, उसका हमको मेजर करना बताता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। कब नेगेटिव होगी, जब कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन तो करेगा ही, साथ में एनर्जी रिलीज भी करता है, बट जब कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है तो उस केस में जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब है कि वो ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, और नेगेटिव का मतलब है कि वो ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सो दिस इज़ अबाउट दी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की थी, अभी हम लोग बात करेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। सक्सेसिव मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया, उस टाइप से। ठीक है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से पढ़ने से पहले एक और टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कुछ कुछ बुक में ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को वो बोलता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सो बोथ टर्म्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलूँ या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलूँ, दोनों ऑलमोस्ट ही सिमिलर है। दोनों में बस ये अंतर है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जस्ट रिवर्स साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, उसका रिवर्स साइन होता है, इट इज़ अ रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। रिवर्स होता है मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा नेगेटिव है मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोडियम का और क्लोरीन का एग्जांपल दिया है ना, सोडियम की वैल्यू होती है -53, दिस इज़ दी वैल्यू फॉर ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और क्लोरीन की होती है -349। सपोज इट इज़ 3-349, इसका जो यूनिट है किलो जूल पर मोल है, इसकी यूनिट जो होती है वो इट इज़ किलो जूल पर मोल। ठीक है, सो रिवर्स साइन है मतलब जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव है उसका रिवर्स साइन कर दो उतना ही वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। सो इट इज़ अ रिवर्स, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट इज़ अ रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -349 है तो उसको रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, +349, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा हो गई क्लोरीन की, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ रिवर्स ऑफ ईजीई। तो अगर क्लोरीन के लिए ईजी की वैल्यू -349 है सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उसकी पॉजिटिव हो जाएगी विच इज़ +349, जबकि इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी हो जाएगी +53। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और सोडियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है मतलब इसको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में परेशानी होगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ईजी दोनों ही सेम है, उनमें बस थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो मैंने रिवर्स कर दिया, दिस इज़ दी वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर सोडियम एंड क्लोरीन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्योंकि रिवर्स साइन है तो रिवर्स साइन से हमको पता चलता है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, मतलब वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। सो कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ईजीई जैसा होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों एक ही टर्म है ना। ईजीई भी हमको ये बताता है कि कौन सा एटम ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यही बताता है कि कौन सा एटम ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बस दोनों का साइन ही अपोजिट है। क्लियर हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम लोग आते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो दिस इज़ दी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की फर्स्ट टाइम उसने ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है इट इज़ -41 किलो जूल पर मोल। अब यही ऑक्सीजन क्या करेगा, दूसरा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, O2 माइनस n। पर इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है ना इट इज़ पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर क्या कर रहा है ऑक्सीजन, जब इलेक्ट्रॉन
गेन कर रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है. एनर्जी रिलीज कर रहा है कैसे पता चला, इस माइनस साइन से. अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी एनर्जी रिलीज होती है हम उस एंथैल्पी को किससे शो करते हैं, नेगेटिव साइन से. तो जब ऑक्सीजन ने पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उस समय एनर्जी रिलीज हुई. बट जब उस ये जो ऑक्सीजन आयन है वो माइनस है, उसने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तब हमको एनर्जी बाहर से देनी पड़ी. कितनी एनर्जी देनी पड़ी, 844 किलो जूल पर मोल. इतनी एनर्जी देनी पड़ी तब उसने दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया. ऐसा क्यों कि सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव. क्यों है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों आ गई सेकेंड केस में, जबकि फर्स्ट केस में एनर्जी रिलीज हो रही थी, है ना. सेकेंड केस में एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न. इसका रीज़न ये है कि अब देखो ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 26. अब यहाँ हो गए इलेक्ट्रॉन 27. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, ठीक है. इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस न्यूक्लियस है. अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं तो जब कोई आएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इससे अटैच होने के लिए, है ना, इसमें ऐड होने के लिए, तो ये क्या होगा, देर इज़ ए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. अब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा. इस रिपल्शन की वजह से ही जो ऑक्सीजन है वो माइनस आयन है, ये बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसलिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो जाके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा. तो समझ में आया, ऑक्सीजन माइनस से जब हमको एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है तो हमको एनर्जी क्यों देनी पड़ती है, उस समय एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब हुई है, क्यों, क्योंकि जो ओ माइनस आयन है वो इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि क्या होने लगता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, जबकि पॉजिटिव आयन्स तो उतने के उतने ही हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया, इस वजह से ये ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, कौन, ओ माइनस आयन, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है. तो ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, एक बुक में ही आपका एक क्वेश्चन है, बताते हैं पढ़ के. वुड यू एक्सेप्ट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ओ एज पॉजिटिव, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव देन द फर्स्ट. जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ऑक्सीजन की वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, या उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. तो क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी, जबकि जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन वो ऐड करना होता है तो उस समय हमको क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली गेन नहीं कर पाता है एटम, ये जो आयन है वो, ठीक है, इसलिए जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है, पॉजिटिव है. सो ओवरऑल इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालूँ, ओवरऑल निकालूँ, ठीक है, सो ओवरऑल में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और बना रहा है O2 माइनस आयन, ठीक है. ओवरऑल इस रिएक्शन की बात करूँ तो ये हो रहा है रिएक्शन. तो देखो टोटल क्या हो रही है, एनर्जी इतनी रिलीज हो रही है, इतनी एब्जॉर्ब हो रही है. सो ओवरऑल यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको कि टोटल कितनी एनर्जी क्या होगी इसमें, एब्जॉर्ब भी होगी, क्योंकि रिलीज तो कम हो रही है, एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है. रिलीज कितनी हो रही है, माइनस 141, जबकि एब्जॉर्ब कितनी हो रही है, प्लस 844. तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, दोनों को माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है, ठीक है. सो टोटल एनर्जी इज 703 किलो जूल पर मोल. सो ओवरऑल दिस रिएक्शन इज व्हाट, इट इज एंडोथर्मिक. ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, क्योंकि एनर्जी टोटल में क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है. इतनी रिलीज हो रही है, इतनी एब्जॉर्ब हो रही है, तो ओवरऑल क्या हो रही है, टोटल एब्जॉर्ब ही हो रही है एनर्जी, ठीक है, समझ में आया. तो ये हुआ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव होती है, क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रॉन तो गेन हो रहा है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है. बट जब आयन बन जाता है तो आयन इलेक्ट्रॉन गेन करने में थोड़ा उसको मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगता है. क्लियर हुआ. तो ये था सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द पीरियोडिक ट्रेंड्स. पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है कि घटती है, ठीक है. जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, किस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो सब डिस्कस करते हैं, ठीक है. सो व्हाट इज़ द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी.
सो पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। पहला है एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये तीनों ही फैक्टर जो हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। कैसे, आप खुद सोचिए। अगर कोई एटम है उसका साइज बड़ा है, अगर एटम है उसका साइज बड़ा है तो क्या होगा, साइज बड़ा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बट अगर कोई एटम छोटा है, सो छोटा है मतलब क्या हुआ, उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर सकता है। उसको क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है ना, साइज़ छोटा है तो न्यूक्लियस क्या है, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दूर नहीं होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वो इजिली इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और उसको अच्छे से बाउंड कर सकता है। तो साइज़ बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो जाएगा, साइज़ छोटी होगी सो इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी हो जाएगा। रीज़न क्या है, एटॉमिक साइज़ छोटा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, अगर साइज़ छोटा होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और अगर साइज़ बड़ा होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करने में मुश्किल होगी। ठीक है, समझ में आया। यहाँ से देखो, यहाँ से जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का बढ़ गया है, तो अब उतने फोर्स से वो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उतने फोर्स से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा अपनी तरफ, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होगी और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है, सो ये सब फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है। सो व्हाट इज़ दी वेरिएशन विद इन अ ग्रुप, आप देखते हैं ग्रुप में हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे कि ग्रुप की बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, आप जब आते हो इधर नीचे तो एटॉमिक साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट बिकम्स लेस नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव मतलब वो उतने ईजिली से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। अगर मैं देखूँ तो हाइड्रोजन की जो वैल्यू है EGE की, वो होती है -73 किलो जूल पर मोल, इसकी होती है -60, -53, -48, -47, -46। तो देखो ग्रुप में हम जब नीचे आ रहे हैं तो EGE की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है, इट इज़ बिकम लेस नेगेटिव। ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, पर धीरे धीरे नेगेटिविटी कम होती जा रही है। ठीक है ना, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव है मतलब इट कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ईजिली, ज़्यादा अगर उसकी वैल्यू है तो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ईजिली। ठीक है, मेजर ऑफ ईज बताता है ये। सो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जाती है, मतलब अब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। क्या हो रहा है, टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। सो क्या बोल सकते हैं हम लोग, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज बिकम लेस, और हम क्या बोल सकते हैं इसी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, क्योंकि अब वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कम है। एफिनिटी समझते हैं, एफिनिटी मतलब उससे लगाव, एफिनिटी में जो लगाव है उसको एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से लगाव। ठीक है, सो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जा रही है। कैसे पता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होते जा रहा है, लेस नेगेटिव होते जा रहे हैं इसलिए मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जा रही है। सो टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन ये कम होते जा रहा है। तो ग्रुप में हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, जिससे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये बात हो गई ग्रुप की। ठीक है, बट यहाँ इस ग्रुप में जब आप जाएंगे, इस ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 में, तो वहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन दिखेगा। ठीक है, तो ग्रुप 16 के, तो ग्रुप नंबर 1 है, अब मैं ग्रुप 16 की बात करती हूँ। तो अब ग्रुप नंबर 16 का देखते हैं हम लोग, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज़ देखते हैं। सो इसकी -141 किलो जूल होती है ऑक्सीजन की, सल्फर की -200,
फिर -195 -190 टेलुरियम की और पोलोनियम की -174। ठीक, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर ये जो EGE है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट बिकम्स लेस नेगेटिव। ठीक है, धीरे धीरे वैल्यूज देखो, अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव की वैल्यू कम होती जा रही है ना। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि नहीं? आप देखो, इन दोनों में देखोगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है ना, अगर नेगेटिव साइन को छोड़ दो तो। पर इस केस में देखो, ऑक्सीजन सल्फर में होनी क्या चाहिए थी, सल्फर की वैल्यू शुड बी लेस नेगेटिव, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए थी, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। ठीक है, सल्फर की इट बिकम्स मोर नेगेटिव, सल्फर का ज़्यादा नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। सेम एक्सेप्शन जो है ग्रुप नंबर 17 में भी होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ठीक है, तो अगर हम फ्लोरीन को छोड़ दें तो क्लोरीन से देखो, धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है, इट बिकम्स लेस नेगेटिव, नेगेटिविटी कम होती जा रही है वैल्यू उसकी, ये 349, 340, 325, 295, 270, सो यहाँ पर नेगेटिविटी कम होती जा रही। बट इस केस में यहाँ पर एक्सेप्शन है, फ्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए थी, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम, लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी, है ना। अगर आप इससे कंपेयर करें और ग्रुप में बोलते जाएं तो हमने ग्रुप में अभी डिस्कस किया कि EGE जो है इट बिकम्स लेस नेगेटिव, सो क्लोरीन की लेस नेगेटिव होनी चाहिए वैल्यूज़ और फ्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, क्लोरीन का ज़्यादा नेगेटिव है, फ्लोरीन का कम नेगेटिव, तो दोनों का सेम रीज़न है। ठीक है, दोनों का ही रीज़न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं उसमें एक मैं लिखना भूल गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है विच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इट इज़ अनदर बिग फैक्टर विच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जैसे ऑक्सीजन या फ्लोरीन और क्लोरीन की ही बात करते हैं, क्योंकि दोनों का रीज़न सेम है, दोनों का मैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखती हूँ। अब देखो, जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, 2p ऑर्बिटल में, पर जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 3p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो दोनों का साइज़ देखो, फ्लोरीन का साइज़ क्या है, कंपैरेटिवली छोटा है। अगर मैं फ्लोरीन का साइज़ देखूँ तो फ्लोरीन छोटा है, और क्लोरीन का साइज़ देखूँ तो क्लोरीन बड़ा है। ठीक है, दोनों के साइज़ में डिफरेंस है, फ्लोरीन और क्लोरीन के। तो देखो, क्लोरीन क्योंकि छोटा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है पास पास हैं, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज़ छोटा है तो आपस में इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ही जो फ्लोरीन है ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए इसकी वैल्यू कम नेगेटिव है, जबकि क्लोरीन की जो साइज़ है वह बड़ी है। बड़ी होने के बाद इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है, और जिसकी वजह से ये क्लोरीन ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है। इसलिए EGE की वैल्यू क्लोरीन के केस में ज़्यादा नेगेटिव है फ्लोरीन से। साइज़ का यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, साइज़, साइज़ यहाँ पर 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है जबकि यहाँ 3p ऑर्बिटल में आ रहा है, तो साइज़ की वजह से फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्लोरीन है ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इस वजह से उसकी वैल्यू है, इट इज़ EGE की जो वैल्यू है इट इज़ लेस नेगेटिव। ठीक है, सेम केस ऑक्सीजन और सल्फर के केस में भी यही होता है कि ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा वो 2p ऑर्बिटल में जाता है, जबकि सल्फर में 3p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती है। ठीक है, जबकि सल्फर के केस में वो ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज ऑफ द साइज। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने शुरुआत की है इसमें इतने अभी है, जैसे हमने इससे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी एक्सेप्शन पढ़े थे, बेरिलियम और बोरॉन में एक्सेप्शन पढ़े थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन पढ़े थे ना आयनाइजेशन एंथैल्पी में, इसमें हमने दो एक्सेप्शन पढ़ा, ऑक्सीजन और सल्फर, क्लोरीन और क्लोरीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, क्यों? ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई दी फ्लोरीन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? फर्स्ट यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड देन यू हैव टू टेल कि जो फ्लोरीन है इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन विच विल गो इन दी 2p ऑर्बिटल, जिसकी वजह से साइज फ्लोरीन का छोटा है इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होता है. बट इन केस ऑफ फ्लोरीन द इलेक्ट्रॉन द कमिंग इलेक्ट्रॉन गोज इन 3p ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन कमिंग इलेक्ट्रॉन सफर लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जिसकी वजह से ईजिली वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जिस वजह से उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है. ठीक है, तो ये हो गया पीरियोडिक ट्रेंड्स इन ग्रुप, है ना, वेरिएशन विद इन ग्रुप. अब आप देखो, यहीं से ही देखो, जब आप पीरियड में जा रहे हैं इधर से इधर, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकेंड पीरियड हो गया लिथियम, ये दिस इज़ दी सेकेंड पीरियड, है ना, लिथियम ऑक्सीजन सल्फर, और ये हमारा थर्ड पीरियड हो गया. तो जैसे जैसे हम पीरियड में जाते जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इट बिकम्स मोर नेगेटिव. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी. सो जब हम वेरिएशन विद इन पीरियड, पीरियड में क्या वेरिएशन, ठीक है, सो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव. क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा. ज़्यादा नेगेटिव हो गया मतलब वो इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी उसकी बढ़ गई है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. आप खुद देखो, दिस इज़ दी सेकेंड पीरियड के ग्रुप, है ना, लिथियम है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है. तो जैसे जैसे हम पीरियड में इधर जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हो? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव हो गया है. ग्रुप वन के मेंबर का सिर्फ -60 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जबकि फ्लोरीन का है -328. देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहा है. थर्ड पीरियड के केस में भी देखो, सोडियम का -53 है, सल्फर का -200 है, जबकि क्लोरीन का -349 है. तो हम जब पीरियड में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट बिकम्स मोर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. आप देखेंगे ना, ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है. ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रुप नंबर 17 हैज़ हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. यू कैन सी फ्रॉम हियर, इनका जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है. बाकी इनके जितने भी मेम्बर्स हैं उससे पहले, उन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? ग्रुप नंबर 17 की. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ग्रुप नंबर 17 हैज़ हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं ये. क्यों ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्योंकि इनका कॉन्फिग्रेशन ही ऐसा है, इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है और इनका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना. जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. तो इनके p ऑर्बिटल में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एंड दे विल अचीव द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. तो अल्टीमेट एम क्या रहता है एटम्स का? टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, या फिर इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है. अब सबसे कम किसकी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? आप खुद सोचिए एक बार, नोबल गैसेस की. जो नोबल गैसेस हैं, ठीक है, नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है. आपकी बुक में आप टेबल 3.7 में देखेंगे, यहाँ नीचे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस, उसको ग्रुप 0 भी बोलते हैं.
हीलियम का देखो +48 है, नियॉन का +116, आर्गन का +96, क्रिप्टॉन का +96। सो यू कैन सी कि जो नोबल गैसेस हैं उनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते। आपको अगर उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये थे एक्सेप्शंस और पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब? जब कोई एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस समय जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ठीक है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, और नेगेटिव है मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा। ठीक है, अगर इस केस में देखें तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है? क्लोरीन की। क्लोरीन बहुत ही ईजिली इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड ईजी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इट इज़ द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ही उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज़्यादा नेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जिसकी वैल्यू सबसे कम है, जिसमें जैसे सीसीएम में देखो, सीसीएम में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है इट इज़ वेरी लेस नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी सबसे कम नेगेटिव है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम है। इसकी टेंडेंसी क्या है? ये सारे मेटल्स हैं, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, ना कि गेन करना, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी ही नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इनकी टेंडेंसी क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसीएम, इनकी जो है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन, अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, अगली क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की और उसका पीरियोडिक ट्रेंड्स। फिर से हम मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।